हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और हर बार की तरह इस बार भी आपको एक्सेल में सिखाऊंगा कुछ नया। तो वो नई चीज़ क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे नेम के बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स भी लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं ना। तो ये स्टेट के नाम भी लिखे हुए हैं। अब ये लिस्ट काफ़ी लंबी भी हो सकती है। अगर हमें ये पता करना है कि यूपी का कौन कौन है तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट करेंगे, तो अभी तो ये लगातार में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कोई है यूपी का, तो फिर यहाँ पर ये लोग यूपी के हैं तो इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी हुई तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर आप एक्सेल सीखने का कोई फ़ायदा नहीं बचेगा। फिर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना फिर ये मज़ा नहीं आएगा थोड़ा, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं वही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर लगाना है FILTER फिल्टर, ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं इसको सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके F4 दबा के प्रेस करिएगा, कॉमा लगाइएगा, फिर यहाँ से भी सेलेक्ट करके F4 दबा के प्रेस कीजिएगा और कॉमा नहीं लगाना है इस बार इक्वल्स टू लगाना है। और इक्वल्स टू हमें क्या सेलेक्ट क्या देखना है, यूपी वाला रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे बंद करके एंटर करिएगा, यूपी वाले सारे रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। फिर यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा इधर और इधर, तो हरियाणा वाले भी सारे रिजल्ट आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से आसानी से ये निकाला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये फिल्टर वाला फॉर्मूला और ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।